एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इम्पा को. इम्पा एक ऐसी संस्था है जो हमेशा हर एक मेंबर्स को और फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स ही नहीं हर एक सदस्य को फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको पूरा सपोर्ट करती है. तो स्पेशली थैंक्स टू इम्पा. और ये एक संस्था है जिससे हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हर तरीके से सपोर्ट करता है. नहीं सर थैंक्स. मैंने कहा ना थैंक्स टू इम्पा. मैं पर्टिकुलर किसी मेंबर्स का नहीं बोलना चाहता. मैं एंटायर इम्पा का एक मैं कह रहा हूँ कि इम्पा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप जो भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं उनको पूरा सपोर्ट मिलता है. वो अपनी प्रॉब्लम्स आगे बोलते हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हमारे एसोसिएशन का मेम्बर है कि नहीं है, बट वो लोग ये नहीं देखते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं. तो थैंक्स टू इम्पा. आपकी फिल्म सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों को जिन्होंने पूरा प्यार दिया. फिल्म पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से जारी है और थैंक्स अलॉट कि आप लोगों ने अप्रिशिएशन किया उनका. तो थैंक यू सो मच. एक नए सब्जेक्ट पर बनाने के खास कारण क्या थे? एक्चुअली सर लाइफ में कुछ करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक अलग सब्जेक्ट पे काम किया जाए. अब इसके बाद जो मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ वो पीरियोडिक फिल्म है, पीरियड पे है. एक यू कैन से कि एक पुराना मतलब एक हिस्ट्री है जिस पे आप फिल्म बना सकते हैं. तो एक उस पे फिल्म करने जा रहा हूँ मैं. मैं तो ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी फिल्म दूँ जिसको आप देख के एंटरटेन हो. थैंक यू सो मच.